तो अभी चलते हैं, दिखाएंगे आपको यमुना जी भी। तो अब हम मंदिर से निकल रहे हैं बाहर और चलेंगे यमुना जी की तरफ। चलो सीधे चलो, देखिए हमारे महावीर का व्यू। बाइक पर हम दोनों हो गए सवार और चल रहे हैं यमुना मैया की तरफ। देखिए पहाड़ियां, बहुत ही बड़ी इलाका है इधर, और घूमने में बड़ा मजा आता है लेकिन बच के। नीचे चलते जा रहे हैं हम। लग रहा है देखने में, ऐसा लग रहा है वीडियो तो बना ही नहीं, बस नहीं देखते रहे। देखो चलो थोड़े आगे, ये देखो अब हम लोग आ गए यमुना मैया की तरफ, और अब हम आप लोगों को दिखाएंगे यमुना जी। चलो तो हम आ गए यमुना मैया के पास में, दिखाएंगे चल के लगभग पिलुआ मंदिर से, ये 100 मीटर दूरी पे है पीछे मंदिर के। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं हम यमुना जी। ये देखिए, ये हमारे मित्र चल दिए यमुना जी की तरफ, और अभी हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं। चलो दिखा लोगों को, देख के मेरे पीछे पीछे आ रहा है, पता नहीं इसे मुझ में क्या दिख रहा है। ओ लड्डू लड्डू बंधे हुए, अभी देंगे 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 देंगे। देखिए काफी समझदार लग रहा है, बैठेगा उसके बाद यमुना जी पे आए, और वो मेरा साथ छोड़ के चला गया। मैंने उसे बोल दिया हटो तो चला गया। चलो अब हम दिखाते हैं आपको यमुना जी, ये देखिए। ये यमुना मैया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट मेरे पास आए थे, बोल रहे थे कि अपनी इटावा की लोकल बोली में आगे से हम बोला करें, तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये बोली अच्छी लगती है या अपनी इटावा वाली। ठीक, जैसी आप लोग कमेंट आएंगे मैं वैसा ही करूँगा। और देखिए पीछे भी कितना अच्छा लग रहा है, बोलो हाय। हेलो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे भाई का चैनल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, मैं चाहना चाहता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद।